A very good morning to all of you. Welcome to TSN English class and here we'll start the chapter with this new page and this is your chapter number five Mother's Day from the book Snapshot and in previous paragraphs we have read that that there is a little bit fight between George and his wife Mrs. Pearson and here Mrs. Fitzgerald is trying to just figure out that what's Going up there and he's trying to just stop husband and wife's fight. And this is your page number 49. Let's start with this. Anything tell her to stop, then there do be some sense in it staring at Mrs. Pearson. I think you must be tidily. Mrs. Pearson starting up savishly says that again George Pearson. So here in the previous paragraph what happens up that Mrs. Fitzgerald is trying to calm Mrs. Pearson and because of the situation she, she is trying to टेक हर ओन नेम दैट मिसिस फिजरल मिसिस फिजरल जस्ट स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग्स देन जॉर्ज इज अट कन्फ्यूज इन दैट सिचुएशन ही आज दैट दैट वाई मिसिस फिजरल यू आर टेकिंग योर ओन नेम सो योर ही इज़ कन्फ्यूज सो वॉट हैपन्स अप एनी थिंग टेल हर टू स्टॉप देन देर डू बी सम सेंस एंड इट कुछ ऐसा अगर आप कर रही हैं इन्हें रोकने के लिए देन इसका कोई सेंस नहीं है स्टेरिंग एट मिसिज पियर्सनन आई थिंक यू मस्ट बी टिडली वो मिसिस पियर्सन की तरफ घूरते हुए कहता है लाइक यू आर इन अ टिडली वे बिकॉज यू आर ड्रंक यू आर ट्रिडली मीन्स यू आर ड्रंक मिसिस पियर्सन शी सिंह स्टार्टिंग अप सेविशली से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन जॉर्ज को बहुत थोड़ा सा वो उछलती है एंड जॉर्ज को घूरते हुए कहती है कि वापस कहना दैट यू आर सेइंग से दैट अगेन दैट आई एम ड्रंक और वॉट डॉरिस एंटर लेफ्ट स्लोली लुकिंगबल शी इज स्टिल ने लेफ्ट से एंटर होती है जो कि मिसिस पियर्सन की डॉटर हैल्लो ड्रेस एंड वो सोफे पर आकर बैठ जाती है मिसिस विजर हेलो डोरिस डियर मिसिस फिजरल डॉरस को कहती हैं हेलो डॉरिस डोरेस बहुत ही ज़्यादा शी इज़ फीलिंग वेरी सैड दैट्स वाई शी इज़ इन अ लो वॉइस एंड शी इज सेंग हेलो मिसिस फिजरल आई थाट यू वर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट दैन मिसिज फिजरल कहती हैं दैट मैंने सोचा था तुम आज रात चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रहे हो डॉरिस अनोइड वॉट्स दैट डू विथ यू दैट दैट इज़ नान ऑफ योर बिजनेस Why are you asking all these questions to me, Missus Pearson? Seriously, it is not all right. I won't have a daughter of mine talking to anybody like that. Now answer, Missus Fitzgerald, properly. So Missus Pearson, she felt very angry on her daughter because she wants her daughter to talk with everybody in a very nice manner. That's why she scolded her.

आई जस्ट गिव इट अप डोंट कह जॉर्ज अपनी बेटी डोरिस से कहता है मेरी तरफ मत देखो बिकॉज आई गिव इट अप मैंने हार मान ली well, है मिसिस पियर्सन वेल आंसर हर मिसिस पियर्सन कहती हैं अब तुम्ही उसे बोलो डॉरिस सल की ली आई वॉज गोइंग आउट विथ चालीस पेंट्स टू नाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ मैं चालीस पेंट्स के साथ बाहर जा रही थी बट नाओ आई एम नॉट गोइंग विथ हिम मिसिस विजर्ल्ड ओ वॉट पिटी डियर वट हैव यू कितने दुख की बात है और तुम यहाँ क्यों रुक गई हो और क्यों नहीं जा रही हो डॉरिस विद अ फ्लैश ऑफ टेम्पर बिकॉज इफ यू मस्ट नो माई मदर बीन डूइंग ऑन एट मे मे के किंग मी फीलिंग फील मिजरेबल एंड सेंग ही गॉट पक टीथ एंड इज हाफ हाफेड डॉरिस कहती है

तो मिसेस पियर्सन उन्हें रिप्लाई करती हैं है कि आई विल हैंडल माय फैमिली यू विल मैनेज योर ओन फैमिली जॉर्ज हर ऑफ नाउ आई यू एनी अब तुम इन्हें भी गंदे से जवाब दे रही हो यू आर नॉट बिहेविंग इन अ प्रॉपर मैनर विद योर फ्रेंड जॉर्ज मिसिज पियर्सन इवन मोर ग्लीमिंगली ग्रिमली दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज डोंट फोरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन दैन मिसिस पियर्सन अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर को कहती हैं जै जॉर्ज क्लब में वो लोग तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा वेट कर रहे होंगे एंड डॉरस स्टॉप क्राइंग एंड डोंट ट्राई टू क्राई अगेन एंड अगेन मिसिस फिजरल गेटिंग अप विथ सडन डिसीजन दैट्स इनफ क्वाइट इनफ मिस फिजरल थोड़ा सा कुछ डिसाइड करती हैं शी इज सेंग दैट दैट्स इनअफ जॉर्ज एंड डॉरस स्टेड एट हअर बी विल्डर एंड हियर जॉर्ज एंड डॉरस कंटिन्यूअसली स्टेड एट मिसिस To George and Doris, now listen, you two. I want to have a private little talk with Missus Fitz. She correct herself. Has still with Missus Pearson. So I will be obliged if you will leave us alone for a few minutes. I will let you know what we have finished. Go on, please. I promise you that. You won't regret it. There's something here that only I can deal with so here mrs. pearson she is having some kind of conversation with doris and george and she is trying to just convince both of them that father and daughter that please stop um, doing all these quarrel in your home and let's i will suggest some idea to you that please listen to me that टू ऑफ यू और थ्री ऑफ यू जस्ट लीव मिसिज फिजरल्ड देन शी करेक्ट हर सेल्फ वो मिसिस फिजरल्ड बोलने वाली होती है और अपने आप को करेक्ट करती है दैट मिसिज पियर्सन एंड मुझे थोड़ी देर के लिए प्लीज़ ओब्लाइजर्स एंड लीवर्स अलोन फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन आई विल सॉर्ट आउट एवरी थिंग और वी हैव फिनिश्ड गो ऑन प्लीज़ आई प्रोमिस यू दैट इट विग्रेट प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाइए फॉर फ्यू मिनट्स एंड आई विल प्रोिस यू कि आप इससे रिग्रेट नहीं करेंगे एंड आफ्टर दैट

एंड जॉर्ज और डोरिस वहाँ से चले जाते हैं वो देखते हैं मिसेस विजरल जो है वो स्मॉल टेबल पे जाकर बैठ जाती हैं शी ईगरली बैकन्स टू मिसेस पियर्स टू डू द सेम थिंग एंड योर मिसेस विजरल इज रिक्वेस्टिंग मिसेस पियर्सन टू जस्ट जॉइन हर ऑन द टेबल एंड रिपीट द सेम थिंग विच बोथ द लेडीज हैव परफॉर्म्ड अर्लियर नेक्स्ट मिसिस फिजरल्ड मिसिस फिजरल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ वी रियली मस्ट सो मिसिस फिजरल्ड मिसिस पियर्सन को मिसिस फिजरल्ड नाम से बोलकर कहती है अब हमें बदल लेना चाहिए मिसिस पियर्सन्स वाई मिसिस फिजरल्ड बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार ए आई कैन सी दे आर रियली ऑल दे ऑल आर मिजरेबल एंड आई कॉन्ट बियर इट मिसिस फिजरल्ड कहती है बिकॉज अब जो कुछ हो रहा है दैट इज़ ए इसे यहीं रोक देना चाहिए एंड आई वॉन्ट And, uh, and i can see that everybody in your house is looking very miserable and i can't bear that mrs pearson a bit more of some would do them good it is good for my family members making a great difference already she moves to write. The table and sits, and she's saying this makes a difference. And she uh, sits on the table with Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald, no, I can't stand any more of it. I really can't. We must change back. Mrs. Fitzgerald is saying that I can't stand with this personality of yours, Mrs. Pearson. So please exchange her personality. वी मस्ट चेंज बैकअप हमें बदल लेना चाहिए हरिया प्लीज मिसिस फिजल मिसिस पियर्सन वेल इफ यू इंसिस देन मिसिस पियर्सन इज सही ओके इफ यू आर इंसिस्टिंग देन आई विल अग्री विथ योर वर्ड्स मिसेस विजरल यस आई डू प्लीज़ प्लीज़ मिसेस विजरल कहती है मैं चाहती हूँ ऐसा प्लीज़ आप आइए शी स्ट्रेचिज हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली मिसेस पियर्सन्स टेक्स दैम वो अपने हैंड्स टेबल्स के पास टेबल के पास में अपने हाथों को स्ट्रेच करती है मिसेस पियर्सन्स होल्ड हर हैंड मिसेस पियर्सन्स क्वाइट नाउ रिलैक्स दैन मिसिस विजरल इज़ गिविंग कमांड टू मिसिस पियरसन दैट प्लीज नाउ स्टॉप Saying a single word, quiet and relaxed. Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald stare at each other, muttering exactly as before, Ashtadam, Ashtalam, Ashtalam Dam bana." So they are again repeating the same trick. The same kind of mantra for exchanging their personality. They carry out of the same action as before, going lax and then Coming to life, but this time, of course, they became their proper personality. And yo, because of this trick, both of them exchanged their personality and they are becoming, um, they are exchanging the, uh, they are having a lax kind of feeling. Um, it it looks like they won't have some soul in their bodies, and after that, they are coming to life, and this time they are in proper. पर्सनैलिटी दैट मीन्स मिसिस फिजरल्ड इज मिसिस फिजरल्ड एंड मिसिस पियर्सन इज मिसिज़ पियर्सन मिसिस फिजरल्ड आह वेल आई इन्जॉय दैट मिसिज फिजरल कहती हैं मैंने तुम्हारे फैमिली में आकर काफ़ी कुछ इंजॉय करा मिसिस पियर्सन आई डि डिट नॉट मिसिस पियर्सन कहती हैं लेकिन मैंने फिजरल मिसिस फिजरल्ड आपकी पर्सनैलिटी एक्सचेंज करके बिल्कुल इंजॉय नहीं करा मिसिस फिजरल वेल यू ऑट टू हैव डन नाओ लिसन देन मिसिस फिजरल इज सेंग Now, I will tell you that what you will have to do next. And let's move on to the next page. Mrs. Pearson, don't go soft. Don't go soft them again, else it all have been wasted. Unke saath se aap behavior mat Otherwise, this trick is all wasted. Mrs. Pearson, I will try not to Mrs. Fitzgerald. Mrs. Pearson is saying, okay, I will try and I will not become again a Mrs. Fitzgerald. So here, Mrs. Fitzgerald, they have not had a long as if I do to have them given them another hours or 2 hours rough treatment might have made it certain here mrs fizzard is saying that that i have to behave with them in a very nice manner because i have already performed some kind of bad things with them or uh, and i have made it certain that i will just talk to them in a proper uh, way so mrs pearson i'm sure they will do better now though don't Know how I am going to explain. Mrs. Pearson is saying that I don't know how, how I will explain all these situations. Mrs. Fitzgerald, don't you start any explaining or apologizing, or you are done for. And Mrs. Fitzgerald jo hai, again, Mrs. Pearson, ko kehti hai, that don't apologizing or don't.